शो गुम है किसी के प्यार में दिखाया जाएगा कि ईशान पहचान जाएगा कि सभी वही लिफ्ट लेने वाली लड़की है। वो गार्ड्स पर गुस्सा करेगा कि उसे कॉलेज में क्यों रुकने दिया। गार्ड्स ईशान को बताएंगे कि शांतनु के कहने पर सभी को रुकवाया गया है। ईशान गुस्सा होगा कि अगली बार से किसी के कहने पर भी ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ हरिणी घर छोड़कर जाने की तैयारी करती है। भवानी इमोशनल ड्रामा करेगी। वो घर वालों को आस्तीन का सांप कहेगी कि सबने उसके खिलाफ साजिश करके धोखा किया है। भवानी कहेगी कि किसी ने क्यों नहीं सोचा कि सभी को भगाकर उसकी जिंदगी खराब कर दी गई है। वो बोलेगी कि महंगे शहर में वह खर्चा कैसे चलाएगी। इस पर वीनू कहेगा कि वह गहने लेकर भागी है जिससे उस पर गुजारा चलाया जा सकता है। अश्वनी वीनू को जमकर लताड़ेगी कि अपनी बहन को इतना ही जानता है वह कोई भी गहने लेकर नहीं भागी है। फिर वीनू बोलता है कि फिर तो वह सड़क पर आ जाएगी, भीख मांगेगी। इस पर अश्वनी और भड़क जाती है और वीनू को डांटती है। सवी और ईशान के बीच नोकझोंक होगी। सवी ईशान से माफी मांगेगी। वह बोलेगी कि एडमिशन के लिए शांतनु सर से मिलना है। ईशान कहेगा कि सिफारिश से यहाँ पर कोई एडमिशन नहीं मिलेगा। सवी ईशान से बोलेगी कि मेरे टीचर ने रिकमेंड किया है। शांतनु को याद आ जाएगा कि ईशा उसकी टीचर है। वह सवी से सवाल करेगा। वह झूठ बोल देगी कि ईशा मैम ने नहीं भेजा है। शांतनु गुस्से में सवी का बैग फेंक देता है। सवी ईशान को चैलेंज करेगी कि वह अपनी काबिलियत के दम पर यहाँ पर एडमिशन लेकर रहेगी। अश्वनी ईशा से मिलकर सभी की चिंता जताएगी। ईशा सभी को फोन करेगी तो पता चलेगा कि ईशान ने उसका सामान फेंक दिया। वह अश्वनी की सभी से बात करवाएगी। सभी बोलेगी कि हरणी को जाने से रोक ले। वह पैसे कमाएगी तो हरणी के सारे खर्चे उठा लेगी। उधर ईशान घर पहुंचकर घर वालों के सामने शांतनु पर गुस्सा करेगा कि डॉक्टर ईसा भोसले के कहने पर उस लड़की को कॉलेज में रुकवाया गया। पूरा घर मिलकर शांतनु को जलील करेगा। सभी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट होकर थर्ड ईयर का प्रॉब्लम सॉल्व करेगी। शांतनु ईशान से कहेगा कि क्या अब भी वह सभी को आगे बढ़ने से रोकना चाहता है। ईशान भी सभी के टैलेंट पर शॉक्ड हो जाएगा। आज के स्टोरी के लिए बस इतना ही। इसी तरह की स्टोरीज के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।